जातिगत अपमान और मारपीट से परेशान गोसलपुर के ग्रामीणों ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के दबंग उनके जबरदस्ती मृत जानवर फेंकने का आरोप करवाते हैं। यही नहीं, काम न करने पर उनके साथ बहरमी से मारपीट की जाती है। मामले की शिकायत गोसलपुर थाने में भी की गई, लेकिन पुलिस थाने से भी उन्हें भगा दिया गया है। 11 तारीख को 11 बजे से हिंदू धर्म रक्षा यात्रा 1100 भगवा ध्वजों के साथ निकाली जा रही है। यह यात्रा सनातनियों के अस्मिता की यात्रा है, अस्तित्व की यात्रा है। आप लोग देख रहे हैं, आपदा का बहाना बनाते हुए पिछले कई समय से हम लोग के हिंदुओं के त्यौहार जो विगत हजारों वर्षों से जो परंपरा थी, रामलीला का मंचन नहीं हुआ, सामूहिक गणेश महोत्सव नहीं मनाया गया, मूर्तियाँ हम लोगों ने स्थापित नहीं करी। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से विगत 3-4 वर्षों से जो देवी मूर्ति विसर्जन में जिस तरीके से हर वर्ष लाठीचार्ज हो रही है, और हिंदू के धर्मों को कई ऐसे ज्ञानचंद हैं जो बोलते हैं कि आप शिवरात्रि में अभिषेक ना करें, दूध व्यर्थ ना करें, पटाखे ना फोड़ें, ऐसे हमारे हर अभी दीपावली आ रही है उसमें भी कुछ ना कुछ हमारे त्योहारों के लिए कोई ना कोई नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। ये अपनी धार्मिक परंपरा और सनातन को बचाने के लिए यह यात्रा है, और सभी संस्कारधानी वासियों से अनुरोध है कि धर्म युद्ध में वीरों को बुलावा नहीं दिया जाता। आप लोग सब सादर आमंत्रित हैं। यह किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, समस्त सनातन धर्मियों की लड़ाई है। अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्मिता के लिए 11 तारीख को उपस्थित हों। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत।